करगिल में मुख्तलिप स्कीमों के निफाज को मजबूत बनाने के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम। सेहत की देखभाल की खदमात की फराहमी, जरूरी मालूमात और आलात से आरास्ता करना था प्रोग्राम का मकसद। रियासती सेहत एजेंसी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मेडिकल ऑफिसर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स और दीगर तिबी अमले के साथ एबीडीएम एबीपीएम जेएवाई के निफाज और ई अस्पताल के इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप और इंटरेक्टिव सेशन का एहतमाम किया है। वर्कशॉप का मकसद सेहत की देखभाल फराहम करने वालों को इस्तिफादा कुनंगान तक सेहत की देखभाल की खदमात की फराहमी को बढ़ाने के लिए जरूरी मालूमात और आलात से आरास्ता करना था। इस मौके पर सीएमओ कारगिल ने टीम का खैर मकदम किया है और इस तरह की तकरीबात के निकात पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डिजिटलाइजेशन की अहमियत को उजागर करते हुए डॉक्टरों के इन स्कीमों के फाल इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कारकर्दगी और साई को बढ़ाने के लिए तिबी तरीकों में उनके इंजमाम पर जोर दिया है। स्टेट आईसी कंसल्टेंट नेशनल हेल्थ मिशन यूटी लता हंजू छने दिरिंग मैचेस फरवरी दिसेस मिशा कारगिल ला मती सीएमओ मेडिकल ऑफिसर्स बीएमओस पीएमएम्स यानी प्रधानमंत्री आरोग्य अजगुन तंग मित्रा ने तंग यदान तुखला दिसमन खान लुंग तनुलास बखन निशिला मैचेस ट्रेनिंग वर्कशॉप जी। उसके अलावा हमने जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री होता है, जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस को ऐसा प्रोफेशनल आईडी रजिस्टर करना होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। उसके अलावा हमने, हमारा मेन फोकस था यहाँ पे नेक्स्ट जन ई हॉस्पिटल करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिबिर हुसैन है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर एसएचयूटी लद्दाख हूँ। एक्चुअली इस स्कीम का बहुत सारा फायदा है कि पहले एक्चुअली ये आता है कि ए बी पी एम जो हमें 10,904 फैमिलीज कवर होता था। आफ्टर दैट 2020 दिसंबर के बाद यूटी लद्दाख ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करा दिया सबको। अब क्या है कि आपके पास राशन कार्ड हो, हर कोई उसी चीज़ में कवर है। तो आप इसमें फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को, आपके फैमिली को अपटू 5 लाख पर ईयर पर फैमिली को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आप इस पर पोर्टेबिलिटी बेस पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप जम्मू नजरें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। मोदी सरकार की गारंटी।